जो भी घोषणा है ये 963 करोड़ या फिर 9,10,000 जो कि 22 मई को उन्होंने घोषणा किया था, एक भी रुपया पंचायत में नहीं आया है। 23 मार्च से ही इस कार्य में लगा हुआ हूँ, साबुन बांटा हूँ, सैनिटाइजर बांटा हूँ और पूरे गांव को सैनिटाइज किए, पूरे पंचायत को किए और पंचायत को ही नहीं पूरे जिला भर में हम कार्य किए हैं। देशवासियों से ये आग्रह भी करना चाहूँगा कि अगर मास्क और 2 गज की दूरी और खान पान में अगर परहेज रखे तो निश्चित रूप से ये कोरोना बीमारी से लड़ाई लड़ी जा सकती है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। आज मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं बांका जिले के बभनगामा पंचायत के मुखिया दिगंबर मंडल। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटीज में। नमस्कार। हम हर रोज बात करते हैं देश की राजनीति पर, राज्य के अंदर क्या राजनीति चल रही है। आज मौका मिला है कि बिहार के पंचायतों का भी हाल जाने। आपका नाम आपके काम के वजह से है, आपको लोग काम करने वाले मुखिया के तौर पर जानते हैं। जहाँ भी हम देखें आपका, आपको इसी नाम से लोग बुलाते हैं कि काम करने वाले मुखिया हैं, तो वो दिगंबर मंडल हैं। आपके पंचायत का हाल क्या चल रहा है फिलहाल, कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले तो सभी लाइव सिटीज़ के दर्शकों को दिगंबर मंडल का प्यार भरा नमस्कार। कोरोना काल में अभी मेरा पंचायत बिल्कुल सुरक्षित है और किसी भी प्रकार का कोरोना में क्षति नहीं हुई है। मेरे पंचायत में एक भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं आया है। अच्छा। सारे लोग सुरक्षित हैं और अभी तक तो माता रानी की कृपा से सब फर्स्ट क्लास है। आपके गांव से भी लोग बाहर काम करने जाते होंगे? जी बिल्कुल, मेरे गांव मतलब मेरे पंचायत से लगभग 400 व्यक्ति बाहर थे, जिसमें अच्छा। 350 व्यक्ति पंचायत वापिस आ चुके हैं। अभी भी लगभग 50 से कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया? बिल्कुल नहीं, कोई भी पॉजिटिव नहीं है उनमें से। अच्छा, सरकार तो काफ़ी पंचायतों के लिए अपना खाता खोल रही है, करीब 9,10,000 रुपए हर पंचायत को देने का जो फैसला लिया था सरकार ने, उसके बाद 963 करोड़ पूरे बिहार को देने की घोषणा की थी। आपके पंचायत को क्या मिला और सच बताइएगा कि आपने कितना खर्च किया आम जनता के लिए? सबसे पहले तो ये जो सरकार घोषणा की है ये केवल न्यूज चैनल और पेपर पर ही ये बात रह गई है। एक भी रुपया सरकार के तरफ से कोरोना काल में किसी भी पंचायत को स्पेशल कोरोना में खर्च करने के लिए नहीं मिला। बावजूद इसके जो हम लोगों का 19-20 का राशि आया पंचायत का, जो पंचम वित्त आयोग में विकास कार्य करने के लिए, उनमें से डीएम साहब के लेटर को का हवाला देते हुए बीडीओ साहब मौखिक आदेश हम लोगों को दिए कि प्रत्येक घर में 4 मास्क और 1 साबुन का वितरण करना है जिसका लागत 100 रुपया होगा। अच्छा। वो विकास की राशि से हम लोगों ने किया। और जो भी घोषणा है ये 963 करोड़ या फिर 9,10,000 जो कि 22 मई को उन्होंने घोषणा किया था, एक भी रुपया पंचायत में नहीं आया है और नहीं आने के वजह से जनता के नज़र में सारे मुखिया लोग गिर गए और मुखिया की बदनामी होना शुरू हो गई कि मुखिया जी लोग सारे पैसा का और पदाधिकारी मिलके गमन कर लिए। अच्छा। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार एक रुपया दिया ही नहीं है हम लोगों को कोरोना काल में खर्च करने के लिए। मैं अपने पंचायत की बात कर रहा हूँ, ये जो अप्रैल में हम लोगों के यहाँ पैसा आया, मई में 2,24,249 रुपया, जो किस चीज़ का पैसा? ये विकास की राशि है पंचम वित्त आयोग में, जो विकास करने के लिए गली नली बनाने के लिए हम लोगों को पैसा आया था, उसी पैसे से हम लोग मास्क और साबुन का वितरण किए हैं। और रही बात मेरे पंचायत की, तो मैं अपने पंचायत में सरकार तो मई में घोषणा की साबुन और मास्क बांटने के लिए, मैं 23 मार्च से ही इस कार्य में लगा हुआ हूँ, साबुन बांटा हूँ, सैनिटाइजर बांटा हूँ और पूरे गांव को सैनिटाइज किए, पूरे पंचायत को किए और पंचायत को ही नहीं पूरे जिला भर में हम कार्य किए हैं। और दिहाड़ी मजदूर जब भूख की स्थिति में आ गए, भुखमरी की स्थिति में आ गए, वैसे स्थिति में हमने राशन बांटने का भी काम किया है। और सबसे बड़ी बात, जो कोरोना काल में फेल हुई सरकार, उनका ये घोषणा कि प्रवासी मजदूर को होम क्वारंटाइन सेंटर किया जाए, जबकि एक प्रवासी, हाँ, मेरा सवाल भी यही था, आपने अभी तुरंत बताया कि करीब 400 लोग आपके गांव से बाहर काम करने को गए हुए हैं, जब वो लौटे होंगे तो उन्हें क्वारंटाइन सेंटर्स में रखने की बात भी होगी। आपने अभी कहा कि बाद में ये कहा गया कि होम क्वारंटाइन में रखा जाए, कैसे मैनेज किया ये सारी चीज़ों को आपने? जिस समय की सरकार सबसे पहले फेल यही किया, जो प्रवासी मजदूर को होम क्वारंटाइन बोले, होम क्वारंटाइन में क्या सुविधा है ये एक प्रवासी मजदूर के पास, उनके पास कोई नहीं है, जब एक ही घर है, एक ही बाथरूम है, एक ही किचन है। हाँ। और यहाँ तक कि किसी किसी को तो एक ही बेडरूम में सबको रहना है। हाँ, तो होम क्वारंटाइन में एक ही कमरे में पूरे परिवार को रहना है, उस स्थिति में होम क्वारंटाइन क्या होगा? मैंने निर्णय लिया और मैं पंचायत क्वारंटाइन बिना सरकार के एक रुपया दिए
पंचायत क्वारंटाइन सेंटर चलाया और जो जिनको भी होम क्वारंटाइन किए या विलेज क्वारंटाइन किए, यहाँ तक कि प्रखंड क्वारंटाइन का भी व्यक्ति मेरे पंचायत का मेरे क्वारंटाइन सेंटर में रहा, उनको सारी सुविधाएं हमने दी और सारा निजी कोष से दिया। रहने का व्यवस्था, सोने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, अलग थाली अलग बर्तन सारा चीज़ का व्यवस्था हमने दिया। 24 घंटा वहाँ ड्यूटी पे लोग भी लगाए और ये सारा खर्चा निजी कोष से किए, सरकार एक रुपया इसमें मदद नहीं किया। एक और सवाल है कि सरकार ने तो 9,10,000 रुपए कथित तौर पर दिए, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं, बस कह दिया कि दे रहे हैं, आपने कहा कि नहीं मिला है, एक रुपया नहीं मिला है। फिर आपने ये भी बताया कि बीडीओ साहब ने डीएम के लेटर का हवाला दिया, लिखित रूप से भी आपको कुछ नहीं मिला, और जब कहा भी गया वो ये कि एक परिवार के लिए 4 मास्क और 1 साबुन, और गांव में ऐसा कम ही होता है कि कहीं पर एक परिवार में 4 लोग हो, क्योंकि ज़्यादातर जॉइंट परिवार की परिपाटी होती है, गांव में लोग एक साथ रहते हैं, तो कैसे उस जगह कैसे अगर आम जनता मैनेज करेगी, एक परिवार में अगर 10 लोग होंगे 4 मास्क ही मिलेगा और 1 साबुन कैसे होगा ये। हम तो अपने पंचायत में घर में जितने भी सदस्य थे सबों को एक एक मास्क दिए और साबुन के जगह पे सैनिटाइजर का भी वितरण किए, जो कि सैनिटाइजर हम लोगों को दिशा निर्देश में नहीं था, और साबुन भी दिए, और ये काम कंटिन्यू हम चलाए। सरकार तो एक बार बोल के चुप्पी साथ दी और एक भी मतलब कि हम लोगों को लिखित में कोई आदेश नहीं आया, या प्रखंड विकास पदाधिकारी भी लिखित में आदेश नहीं दिए कि आपको करना ही है, सिर्फ केवल मौखिक आदेश पे हम लोग सारा काम किए हैं। अगर आपकी बात करें, आपने तो कहा कि आपने अपने विकास कोष से या यूं कहें कि निजी तौर पर भी आपने बहुत खर्च किया, कितना खर्च कर दिया अब तक आम जनता पर इस कोरोना काल में? लगभग 15 से 17 लाख रुपया हम इस कोरोना काल में निजी कोष से खर्च किए हैं जनता के पीछे, और ये करने का मतलब ऐसा नहीं कि ये पहला काम हम किए हैं, प्रत्येक साल हम लोगों को जो कमाई आता है उसमें से समाज के हित में काम करते हैं, जैसे मंदिर बनवाना, स्कूल बनवाना, या ऐसे किसी भी सामाजिक कार्य में हमेशा रुचि रहती है, और इससे बड़ा मौका क्या मिलेगा एक व्यक्ति को, इंसान को, इंसान का सेवा करने के लिए, जो ये कोरोना काल में मिला। इसलिए हम लोग एकदम एक्टिव रहे और इसी का नतीजा है जो कि आज तक अभी तक मेरे पंचायत में एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। मैं सप्ताह में लगभग एक बार पूरे पंचायत को सैनिटाइज करवा देता हूँ। अच्छा। एकदम कंप्लीट रूप से। किस तरह से सैनिटाइज करो, मतलब वो ब्लीचिंग पाउडर नहीं, ब्लीचिंग तो साधारण सोडियम हेपोक्लोराइट लिक्विड जो WHO से मान्यता प्राप्त है, उस लिक्विड से हम 2 सैनिटाइजर मशीन और जागरूकता रथ जो कि मेरा कंटिन्यू चलता है पूरे जिला भर में, हम जागरूक करने के लिए कि आपको गर्म पानी का सेवन करना है, 2 गज की दूरी बना के रखना है, मतलब तरह तरह की बातें। लोगों में इन अवेयरनेस का असर आपको दिखाई दे रहा है आपके पंचायत के लोगों में, लोग मान रहे हैं ये सारी बातें? मेरे पंचायत में तो लोग मान रहे हैं, यहाँ तक कि हम हाट भी लगाते हैं तो वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके लगाते हैं और मान रहे हैं, इसी का नतीजा है कि आज मेरा पंचायत सुरक्षित है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों से ये आग्रह भी करना चाहूँगा कि अगर मास्क और 2 गज की दूरी और खान पान में अगर परहेज रखे तो निश्चित रूप से ये कोरोना बीमारी से लड़ाई लड़ी जा सकती है। चलिए, आपने मंदिर का भी जिक्र किया कि ये सब आपके बबनगामा में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, माता रानी का मंदिर है, उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनकी विशेषताएं मतलब एक बार आग्रह है आपसे कि आप मेरे गांव में चल के आएं, और इतनी विशेषताएं हैं उनका, और यूँ तो मानिए कि उन्हीं का कृपा है जो कि आज मेरा पूरा पंचायत सुरक्षित है। और ये माता रानी का आगमन मेरे पंचायत में 1921 में हुआ था। अच्छा। और उस समय भी ये महामारी का दौर चल रहा था, उसी क्रम में वो माता रानी का आगमन हुआ और उस समय से मेरा गांव सुरक्षित है। चलिए, तो हमारे साथ बबनगामा पंचायत के मुखिया दिगंबर मंडल जी थे, उन्होंने काफ़ी कुछ बातें रखी है, पंचायत का हाल बिहार में फिलहाल क्या है, सरकार कथित तौर पर मदद दे रही है, इन्होंने कहा कि अखबारों में सिर्फ छपता है या फिर न्यूज़ में ये बताया जाता है कि इतनी राशि की स्वीकृति दी गई है, लेकिन पंचायत के जो जन प्रतिनिधि हैं उनके हाथों में कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। कोरोना काल में भी लोग अपने कोष से या फिर जो दूसरे कोष हैं विकास कोष वगैरह से खर्च करके आम लोगों की मदद कर रहे हैं।
आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, इसी तरह के मुद्दे हम आप तक लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। जो भी घोषणा है, ये 963 करोड़ या फिर 9,10,000 जो कि 22 मई को उन्होंने घोषणा किया था, एक भी रुपया पंचायत में नहीं आया है। 23 मार्च से ही इस कार्य में लगा हुआ हूँ, साबुन बांटा हूँ, सैनिटाइजर बांटा हूँ और पूरे गांव को सैनिटाइज किए, पूरे पंचायत को किए और पंचायत को ही नहीं पूरे जिला भर में हम कार्य किए हैं। देशवासियों से ये आग्रह भी करना चाहूँगा कि अगर मास्क और 2 गज की दूरी और खान पान में अगर परहेज रखे तो निश्चित रूप से ये कोरोना बीमारी से लड़ाई लड़ी जा सकती है।